नीतीश कुमार नहीं नि, ये नीतीश कसाब हो चुके हैं नीतीश कसाब हो गए हैं ये नीतीश कसाब हो चुके हैं पॉलिटिकल political... कसाई को कहा जाता है पकिस्टान? कसाई को नहीं जो पाकिस्तान से आया था और मुंबई पे बौछार किया था गोलियों से ना ये पॉलिटिकल कसाब हो चुके हैं विधायकों को पटक पटक करके पिटा गया सदन में ये कैसा तंत्र चलाएंगे भाई इनसे कोई सवाल नहीं करेगा जानवर की तरह डिंगाएं शर्म पे मार करके अठारह अठारह टाका लगाए नीतीश जी का एक आदत बन चुका है कि इनके खिलाफ में कोई सवाल करे या इनसे कोई जवाब मांगे ये लाठी पहना गोली बारूद से ये काम करेंगे एक तो कहते थे कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं और आज इनकी स्थिति जब जीतन राम मांझी एक दलित नेता जब खुद बनाए मुख्यमंत्री उसको हटाने के लिए उस समय भी लाठी और पैना के इस्तेमाल इन्होंने किया था अगर सांसद पिटाएगा तो क्या कल मुख्यमंत्री नहीं पिटा सकते हैं क्या लाठी से डंडा से सर फाड़ दीजिएगा और विजय सिंह को मर्डर कर दिए हत्या कर दिए ये हत्या करके चलाएंगे क्या सरकार को नियोजित शिक्षकों के समर्थन में और तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे बीजेपी नेताओं पर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई उसके बाद से राजनीतिक गर्म है लोग इसकी लगातार निंदा कर रहे हैं हमारे साथ लोजपा राम बिलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह हैं इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लाठी चला पटना के डाक बंगला चौराहे पर उस पर ये लोग क्या सोच रहे हैं क्या कहिएगा है सर जिस तरह से लाठी चार्ज देखिए कैप जी उस दिन बिहार के लिए काला दिवस था किसी भी पार्टी के राजनीति करने वाले लोगों के लिए मैं तो सभी से अपील करता हूं कि चंद लोग इसका फैसला लिए होंगे प्रशासन को उसकाए होंगे या ऑर्डर दिए होंगे मारपीट के लिए क्या राजनीति में इसका कहीं जगह है लोकतंत्र में इसका कहीं जगह है आप लाठी और गोली से लोकतंत्र को चलाएंगे कोई आदमी आपसे कोई कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का किसी भी मुखिया से सवाल नहीं कर सकता है गृह मंत्री से सवाल नहीं कर सकता है आदरणीय मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर सकता है ये तो कहते थे कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं और आज इनकी स्थिति जब जीतन राम मांझी एक दलित नेता जब खुद बनाए मुख्यमंत्री उसको हटाने के लिए उस समय भी लाठी और पैना का इस्तेमाल इन्होंने किया था जो बात आई थी चल करके बाद में विधानसभा में कुछ विधायकों ने सवाल किया था जब एनडीए की सरकार थी यहाँ पे भाजपा के साथ तो मारपीट विधायकों के साथ नीतीश जी करवाए थे यानी नीतीश जी का एक आदत बन चुका है कि इनके खिलाफ में कोई सवाल करे या इनसे कोई जवाब मांगे ये लाठी पहना गोली बारूद से ये काम करेंगे तो ये कैसे सुशासन ला सकते हैं बिहार में लेकिन जे के लोगों का कहना है कि लाल मिर्च फेंके गए पुलिस वालों के ऊपर पथराव किए गए तब लाठी चाहिए ये कोई पहली बार हुआ है क्या देश में जब कोई प्रदर्शन करता है तो रोडेबाजी भी हो जाते हैं लाट मतलब हल्का फल्का ये भी तो उसमें भी मारने पीटने का है प्रावधान आप कमर से नीचे मारिए आप जानवर की तरह डिंगाएँ सर पे मार करके 18 18 टाका लगाए गोपाल नारायण सिंह के लड़के त्रिविक्रम मेरे मित्र हैं उनको 18 टाका लगा है सिग्रीवाल साहब उनको 22 श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ है दो बार के सांसद नीतीश कुमार के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति उनको जानवर की तरह पीटा गया है और कम से कम हजारों कार्यकर्ता का पैर हाथ तोड़ा गया है आप एक बात बताइए कल आम जनमानस का सवाल कौन उठाएगा जब कार्यकर्ता पीटे जाएंगे नेता सर सवाल ये भी है कि सवाल कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप जनार्दन सिंह सिग्रवाल की जिक्र कर रहे हैं कर रहे हैं तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो बैरीगेड तोड़ करके कार्यकर्ताओं को लेकर के आगे बढ़ गए पुलिस वहाँ पर रोक रही थी लेकिन माने नहीं उसके बाद से लाठीचार्ज हुआ सब कुछ हुआ बात है अगर इन केस ऐसा किए भी देखिए कोई भी विषय पे एक सांसद को आप मारिएगा तो अगर सांसद क्या कल मुख्यमंत्री नहीं पिटा सकते हैं क्या एक कैबिनेट का मिनिस्टर पिटा सकता है तो मुख्यमंत्री तो उसी के मुखिया होते हैं सारे कैबिनेट के ही प्रधान होते हैं तो जब वो मंत्री को पिटवा रहे हैं तो खुद नहीं पिटाएंगे क्या विधायकों को पटक पटक करके पिटा गया सदन में ये कैसा तंत्र चलाएंगे भाई इनसे कोई सवाल नहीं करेगा इनसे कोई पूछेगा नहीं इनसे डिमांड नहीं कोई करेगा और मुद्दा क्या था मुद्दा क्या था डोमिसाइल को लेकर के रोजगार को लेकर के शिक्षकों को लेकर नियुक्ति को लेकर के ये कौन से अपराध वाली सवाल थी तो नीतीश कुमार मतलब मैं तो उनको कल नाम दिया था कि ये नीतीश कुमार नहीं ये नीतीश कसाब हो चुके हैं नीतीश कसाब हो गए हैं ये नीतीश कसाब हो चुके हैं पॉलिटिकल political... कसाई को कहा जाता होता है पकिस्तान? कसाई को नहीं जो पाकिस्तान से आया था और मुंबई पे बौछार किया था गोलियों से ना ये पॉलिटिकल कसाब हो चुके हैं आप कार्यकर्ता को मैं तो जदयू के भी कार्यकर्ता से अपील करता हूँ कि कल आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करेगा किसी पार्टी का सत्ता हो किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो कार्यकर्ता जनमानस का काम लेकर के सड़क पे आता है वो मेरे घर के भी कोई भाई होगा आपके घर के भी कोई भाई होगा जदयू से हो कोई बीजेपी से हो ये दो चार बड़े मतलब मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो आप सबको पिटवाइएगा ये ये दिन देखेगा कार्यकर्ता अच्छा इस समय बिहार के लोगों ने देखा जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे और आपके नेता उतरे थे सड़क पर उन पर भी लाठियां बरसाई गई उनकी भी गिरफ्तारी हुई तो सबके शासनकाल में चाहे जे से राजद में रहे बीजेपी रहे लाठी तो लोगों को बढ़ा मैं मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए लोकतंत्र में प्रतिकार करने का होता है विरोध करने का ये ये बना है इसका इसका ये लेकिन आप उसमें किस प्रकार से हैंडल करते हैं आप लाठी से डंडा से सर फाड़ दीजिएगा और विजय सिंह को मर्डर कर दिए हत्या कर दिए ये हत्या करके चलाएंगे क्या सरकार को तो ये उनके घर को कौन देखेगा उनके बाल बच्चे को कौन देखेगा तो ये सवाल है कि मतलब विजय तो सिन्हा को लेकर के विजय सिंह जो है महामंत्री बीजेपी के उनके मौत पर पुलिस का कहना है कि ये शामिल भी नहीं हुए थे रास्ते से ही लौट गए थे इनकी तबीयत बिगड़ गई थी हार्ट अटैक से बीमारी हुआ है गलत मौत हुआ है मतलब डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया और एक्सपर्ट बन गए बैठे हुए हम उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और उनके प्रवक्ता ये देश में पहली बार सब देख रहा था कि चोर के दाढ़ी में तिनका मतलब बिना रिपोर्ट का इन लोग रिपोर्ट देना शुरू कर दिया सर मानी चाहिए देखिए हर पार्टी में अच्छा बुरा काम करने वाले लोग होते हैं सभी बात पे दलीली नहीं देना चाहिए किसी को मैं तो देख रहा था जदयू के प्रवक्ता जिस प्रकार से इसका दलीली दे रहे थे मुझे लग रहा था कि कभी आप भी कार्यकर्ता रहे होंगे कार्यकर्ता पिटा रहा है हम कोई भाजपा का बहुत महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं लेकिन मा मान के चलिए कि कल आपका कोई इशूज है सब, सोसाइटी का वो कौन उठाएगा नेता ही उठाता है ना कार्यकर्ता ही उठाता है ना अभी सवाल पूछने लगे हैं कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठी चली फुहरे बरसाए गए दिल्ली के अंदर पूरे देश ने देखा तो बीजेपी वाले वहाँ तो कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन यह बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र खत्म हो गया बिहार में देखिए मैं कह रहा हूँ कैप्स जी फिर से जहाँ भी इस तरह की बात हो मैं किसी को बोलूंगा कि ये अच्छा है वो बुरा है ये बात नहीं लेकिन वहाँ मर्डर नहीं किया गया यहाँ हत्या किया गया यहाँ तो सरिया का दावा है किसानों का ले वो अलग इशू है और हम आपको पीटे -पीटे मार दें ये अलग इशू है मिलेगा सबूत भी मिलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगा और अब ये तो थेथोलॉजी हुआ ना हाँ। कि मिला हुआ मतलब आप मारे हैं उनको अब खुद लोग वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा है कि वो आदमी भागा है ठीक था तो कहीं जोर से लगा होगा किसी हिस्से में शरीर के और सरकार को तो इस पर आकर के देना चाहिए ना बयान कि आप किस परिस्थिति में इस तरह से प्रशासन को प्रशासन को हत्या करना पड़ा अठारह जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है चिराग पासवान जी को लेटर आया है आप लोग शामिल हो रहे हैं उसमें हाँ ये तो हम भी देखे हैं हमारे नेता से भी हम लोग को बातचीत नहीं हुई लेकिन जो पत्र इशू हुआ है वो पत्र को देखे हैं और अभी हम जाएंगे भी पार्टी कार्यालय में हम लोग की बैठक है तो, तो साफ हो गया ना कि आप लोग एनडीए के साथ हैं देखिए मुद्दों के आधार पर तो हम लोग समर्थन करते ही आ रहे हैं और पहले उसके हिस्सा हम लिखित तौर पे या लीगल तौर पे हम थे अथवा ना थे वो तो बात की बात है लेकिन आज जो पत्र देखें उसमें हम लोग लीगलाइज रूप में कह सकते हैं कि हम लोग हिस्सा हैं उसके और आगे की रणनीति और नीति जो हमारे नेता बनाएंगे उसके हम लोग समर्थन में रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एल आर के प्रवक्ता थे राजेश सिंह जी इनसे बात हुई मेरी जिस तरीके से लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बिहार में बदला गया देश के अंदर में भी किसानों को किसान जब अपनी मांगों को लेकर के सड़क पुतरे थे तब भी उन पर जो लाठी बरसाई गई उसको लेकर के इन्होंने निंदा की है कहीं इन्होंने साफ कहा है कि हम किसी की बचाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो आंदोलन का एक रास्ता है जो विरोध का एक रास्ता है उसको साफ रखना चाहिए उसको ख़त्म कर देना और उसको दबा देने की जो प्रयास सरकारें कर रही हैं ये घातक है ये घातक साबित होगा और अट्ठारह जुलाई को जो एन की बैठक है उसमें भी ये लोग शामिल होने जा रहे हैं और अब पहले जो साफ़ नहीं था कि ये लोग एन में है या फिर कहीं और है तो अब जो लेटर जेपी नड्डा ने जारी किया है उसमें साफ़ हो गया है कि ये लोग इंडिया के साथ हैं चिराग पासवान इंडिया के साथ हैं और 18 जुलाई को बैठक में भी जा रहे हैं